बहुत जल्दी सुनेंगे कि ताजमहल भी राम महल हो गया या शिव महल हो गया, शिव महल हो जाएगा, शिव महल बिल्कुल होना चाहिए महाराज। अच्छा ना के सवाल क्या है, देखिए ना के सवाल क्या है, मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुमताज का देखिए मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भी विधा अपनाना पड़ा उन लोगों ने अपनाया है। अब कम से कम स्वर्णिम समय है, शिवाजी का वंशज जा चुका है उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरे भाई, इसमें कोई दोरा नहीं है। समर्थ गुरु रामदास जैसे जैसे शिवाजी पैदा किए थे, गुरु गोरखनाथ ने पैदा कर दिया है दूसरा शिवाजी। उत्तर प्रदेश सुनिए, उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरा वर्जन चलाना हो चला दीजिएगा। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी ने भारत को शिवाजी प्रदान किया था, गोरखनाथ के पीढ़ाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ जी ने शिवाजी के वंशज के रूप में जो है मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को पैदा कर दिया। तो क्या ताजमहल किस रूप में बदलेगा? शिव मंदिर था, शिव मंदिर था, उसको ताजमहल को जो है राष्ट्रीय इमारत या राजमहल राम महल बनाया जाएगा। अच्छा। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, वो भी बने मने मंदिर बनेगा, उसका नाम बदलेगा, नाम बदलेगा, बदलेगा बिल्कुल बदलेगा। ना क्या सवाल क्या भाई, सरकार के रहते भाई मोदी जी तो के मोदी जी तो हम लोगों के महान व्यक्तित्व है, संरक्षक है, योगी जी के चलते बदलेगा महाराज, योगी जी के चलते। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।